रहा है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन कार्ड्स में लिखे गए हैं जो कि जरूरत की बातें नहीं है, उसमें उसको माइंड में रखने से हमारा कंफ्यूजन बढ़ेगा और माइंड से हटा देंगे तो हमारी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। फिर किया कि नहीं किया? जैसे ये लोग उलझ गए 37,000 समथिंग में, 37,000 में, और दिया हुआ कार्ड में, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो जीन के बारे में दिया हुआ या ग्रीन के बारे में दिया हुआ, हमें राइट। तो वो भी हमें फोकस्ड अटेंशन के साथ में देखना पड़ता है कि हम किस चीज को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये कौन सी चीज है जो कि अनयूजफुल डाटा दे रहा है। उसको हम अपने ऑफिशियल सेटअप में अगर रिलेट करें, आप अगर एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, आपके टेबल के सामने लगभग ऐसी दो ट्रे रहती है कि इनकमिंग ट्रे आउटगोइंग ट्रे, बताइए ना, ऐसे ऑफिस में जो इनकमिंग डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास आ रही है, हम उसको प्रोसेस करने वाले, वो हमारे पास इनकमिंग में आता है रहेगा, और जो हमने प्रोसेस कर दिया या आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको मार्क कर दिया तो वो आउटवर्ड ट्रे में रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स डंप होकर हमारी टेबल पे पड़ी रहती है, फाइल्स भी पड़ी रहती है, और जरूरत के समय कोई इंपॉर्टेंट पेपर को हम जब ढूंढते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि ये आउटगोइंग में है या इनकमिंग में है या फाइल में है या कैबिनेट में है या रिकॉर्ड रूम में है, स्टॉक रूम में है, या हमारी ड्रायर में पड़ी है या हमारी हैंडबैग में, बस यही रह जाते हैं क्या, और बस चिल्लाते रहेगा क्या हुआ वो पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, हम फायरिंग करते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, क्यों उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, इतनी इट इज सो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इस तरह की परेशानियां हमारी ऑफिशियल वर्किंग में डे टू डे होती रहती है। तो ये एक्सरसाइज से हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करें। बेसिकली दिस इज अ गेम ऑन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आजकल जमाना सिर्फ मैनेजमेंट का है, सब कुछ मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और क्या है, मैसेज मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेज करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनेजमेंट कि हम अपने इंफॉर्मेशन को कैसे प्रॉपरली मैनेज करें, यानी सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको कैसे मैनेज करें ताकि हमारी काम आसान हो, फोकस्ड हो, एक्यूरेट हो और प्रोडक्टिव रिजल्ट भी हमें मिले। क्या कहेगा और क्या कहेंगे, और कौन सी लर्निंग पॉइंट इससे इमर्ज हो सकती है जो कि हमारी कार्य को और दक्षता के साथ संपादन करने में मदद करेगा। दो बातों पे बात करते हैं, जैसा सानवी साहब ने कहा, एक तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे, एक लीडरशिप पे, क्योंकि कोर इनपुट हमारे लीडरशिप पे है, तो उस पे देखते हैं कि क्या पहले क्या बात है। एक यहाँ से ऑब्जर्वेशन में बात आई कि लीडरशिप इमर्ज हुई, तो सानवी साहब ने कहा लीडरशिप इमर्ज होती है, बिल्कुल ये ग्रुप डायनेमिक्स है, लीडरशिप इमर्ज होती है। सरकारी नौकरी में तो लीडरशिप बाय ऑर्डर से भी होती है, जो हेड होता है वो लीडर होता है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और फैमिली में और सोसाइटी में और बिटवीन द नेशंस, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, इसमें लीडरशिप का इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह की सिचुएशंस में। और जब ऐसी बात हो रही है तो आपने क्या कहा कि इस क्या बताया था, इस टीम के अंदर बहुत सारे लीडर बन गए, फिर क्या हो गए, ग्रुप बन गए। पहले कोई लीडर दिख रहा था, थोड़ी देर बाद चेहरा बदल गया, चार पांच लीडरशिप हो गई, फिर टूटी, फिर वो लीडर डिसहार्टन होके कोने में बैठ गए, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर कुछ लोग उठे, एक तो उठ के मेज में आ गए थे, दो जने मेज पे लगे हुए थे, बिल्कुल सेंटर में कार्ड भी वहीं छोड़ देते, मैंने कहा ये कार्ड किसके हैं भैया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना, एग्जैक्टली इट वाज हैपनिंग इन दैट रूम। तो लेट अस फॉरगेट हु वाज डूइंग व्हाट, ऐसा ही होता है, लीडरशिप इमर्ज तो होती है पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन लीडरशिप। लीडरशिप जरूर इमर्ज होती है लेकिन लंबे समय तक लीडरशिप को बनाए रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आजकल आप स्टेट पढ़ रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्टेट जो मेरा ही स्टेट है वहां पे लीडरशिप क्राइसिस चल रही है। Yes. और ऐसा पूरे नेशन में भी होता है। इट इज नॉट दैट कि वन प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर वाज एबल टू होल्ड फॉर 25-30 इयर्स। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के रिज्यूम में कुछ लंबी समय तक लीडरशिप चली बट एक वन पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज आल्सो नॉट एबल टू होल्ड लीडरशिप। तो दिस हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन कि लीडरशिप इमर्ज होती है पर इट इज वेरी डिफिकल्ट। लीडरशिप के पास आखिर अगर उसे लॉन्ग टेन्योर में बनाना है तो उसके क्या उसका रोल होना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, हम इसमें अभी लंच के बाद आगे और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पर पहला इशू तो हमें समझ में आ गया कि लीडरशिप क्या ABCD में कैसा होना चाहिए, क्या ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, कितना बेनवोलेंट होना चाहिए, बेनवोलेंट कितना सदाशाही होना चाहिए, अभी आगे आने वाला है, मैनेजिंग ग्रेड में बात करेंगे, कितना सदाशाही होना चाहिए, क्या उसकी क्या वो कंसल्टेटिव टाइप ऐसा होना चाहिए कि हर चीज में कंसल्टेशन आप उसके पास लेने जाए या वो आपसे मांगने आए,
कितना डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एबीसीडी से अगर याद करें, इन पर हम अभी आगे बात करेंगे लंच के बाद वाले सेशन में, इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो एक इशू तो लीडरशिप का आ गया, और लीडर लीडरशिप की कुर्सी हथियाना तो बड़ा आसान है साहब, पर वो बड़ी हॉट सीट है, हॉट सीट है ना, कांटों का ताज है ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना। और ऐसा ना हो कि लीडरशिप कर रहे तो वो कह रहे थे इस ग्रुप में कि साहब वो सही था, उन्होंने उत्तर निकाल लिया था किसी ने, कौन थे साहब, अगर आपने कहा क्यों नहीं सर, बताइए आपने कहा क्यों नहीं जब निकाल लिया था, तो आप बताइए सुनूंगा नहीं तुम्हारी जो मैं कह रहा हूँ, बाद में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया साहब, बाद में उसकी कच्ची हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी बिट चल गई हाथ से, टेंडर छूट गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। नर्मदा वैली में जो डैम बनाने का कितने मिलियन डॉलर्स का था, वो बाहर से एक जापानी कंपनी आई, उनकी टीम बिल्डिंग और लीडरशिप बहुत अच्छी थी, सबकी सुनते थे, उनको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। देखिए लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबल ना होने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना लॉस हुआ, क्या हम लिसन करते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉम्पिटेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किल है, जो मेरिट है, उस पोटेंशियल को क्यूमुलेटिवली यूज कर रहे हैं क्या? ये लीडर का, लीडर को ये सोचने की जरूरत है। यहाँ के केस में हुआ कि सुनी नहीं रहे, अरे नहीं मैं ही सही हूँ जी। तो एक तो लीडरशिप के इन कुछ पहलुओं पर प्रकाश पड़ा इस एक्सरसाइज से, इसकी डिटेलिंग अभी हम आगे लंच के बात करेंगे। एक छोटी सी बात इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं, आप एग्री करेंगे कि हर डिपार्टमेंट में MIS होता है, व्हाट इज MIS, कहीं वो एग्रीकल्चर में कराता है, कहीं EMIS एजुकेशन में EMIS कराता है, फाइनेंस में FIM ट्रेनिंग में TMIS कराता है, केवल एक एडजेक्टिव आगे लगता है, बेसिकली MIS होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर्मल भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, और ओरल भी हो सकता है, रिटन चिट्ठियों के रूप में भी, डेटा कैप्चर फॉर्मेट के रूप में हो सकता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज गोइंग ऑन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कहते हैं संचालन बोलते हैं, तो हेड ऑफिस से जो डायरेक्टरेट डीजी का ऑफिस होता है, सचिवालय से एक चिट्ठी चलती है, एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट चलता है, कभी ईमेल में होता है, कभी फोन में होता है, कभी मौखिक होता है, वो चलता है और डेटा जाता है नीचे लास्ट रूट तक, और वहां से फिर वो चिट्ठी जाती है, और फिर वहां से डेटा जनरेट होना शुरू होता है, और फिर कहां पहुंचता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग MIS, क्यों रखते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं MIS, हमें क्यों चाहिए, अरे इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्यों चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एविडेंस के लिए भी चाहिए, इंटरप्रिटेशन के लिए भी चाहिए, ये बहुत हल्के शब्द हो रहे हैं, इसका शब्द ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है, किसके लिए चाहिए, अल्टीमेटली व्हेन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, व्हेन यू प्रोसेस द डेटा, इट बिकम्स इंडिकेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंडिकेटर, datas are raw data, they do not speak, when we give them some shape, bar diagram, pie diagram, they become indicators, they speak, so when you are converting them into indicators, they will help you in decision making, sachiv sahab ko nirnay lena hai, md sahab ko nirnay lena hai, ab wo data hi agar usme kuch cheez chhip jayegi, samast obc karyarat karmchariyon ko kalyan yojana ke antargat छात्रवृत्ति या कि ये कोई चीज़ वितरित की जानी है, इतने लैपटॉप्स दिए जाने, डेटा मांगा गया, एक्चुअल में तो है 180, तीन ने छिपा दिया, कितने की जाएगी सूचना, 177 की, वित्त में जाएगी तो लेखाधिकारी क्या कहेंगे सर, कितने की स्वीकृत करेंगे, 180 या 177, वो ये भी कह सकते हैं पहली फेज में मात्र 53 आवंटित किए जाएंगे, कार्यक्रम के सफलता के पश्चात अगर ये परफॉर्मेंस बजटिंग में ठीक पाया जाएगा तो शेष वितरित किए जाएंगे, ऐसे तो लिखते हैं आप लोग, टिप्पणी के कई प्रकार है ना, तो ओवरऑल की सैंक्शन कितनी होगी इन प्रिंसिपल 177 की, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा 170 छूट जाएंगे सर, फिर वो तीन जाएंगे हाईकोर्ट में, फिर उसमें आपकी जो फाइल जाएगी और फिर जवाब तलब होगा, है ओवरऑल खमासान मच जाएगा। So you know when we are going for a Kalyankari scheme, distribution of funds, distribution of bonus, or
एडवर्टाइजेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड वी हैव टू प्रोसेस इट विद इन नो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम. तो उसमें ये डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है. अगर प्रोसेसिंग हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कि हम सब इन्फॉर्मेशन एक जगह गैदर कर लें, जिसकी जो कॉम्पिटेंस है उसको दे दें, वो उसकी प्रोसेसिंग कर लें, हम इतने वाइज रहें कि नेसेसरी और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएं. और नए कंटेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है, आपको अभी जाकर इथोपिया में प्रोजेक्ट लेना है. इंडिया वाले तो अभी एशिया में ही मिल पा रहा ना हमको. अमेरिका में प्रोजेक्ट कब आएगा कि हमें अमेरिका में प्रोजेक्ट मिले? हमें भी यही मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में ही हमारी सफलता के रेट ज़्यादा है. सिंगापुर भी है थोड़ा बहुत. मान लीजिए वहाँ का प्रोजेक्ट लेना है तो आपको वहाँ का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा. मरमेड डे, एक्वा डे, स्क्लिब्स, बॉम्ब्स, क्या है ये टर्मिनोलॉजी कह रही है कि दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी, न्यू कंटेक्स्ट. इट इज नॉट नेसेसरी कि वीक, आपके दिमाग में बायस हो सकता है वीक 7 दिन का ही होता है. वैल्यू सिस्टम है ना, इसमें जबरदस्ती जानबूझ के चेंज किया गया है. वीक मे बी ऑफ, तो स्क्लिब्स, बॉम्ब्स, आपको थोड़ा परेशान किया होगा इन शब्दों ने क्योंकि अभ्यस्त नहीं है इसके. तो नए कंट्री में जाके आपको बिजनेस करना है तो वहाँ ऐसे शब्द मिलेंगे. वांगचू साहब से मिलना पड़ेगा ना, है ना? नहीं मिलेंगे. वांगचू साहब के साथ डील करनी पड़ेगी. कुछ खाने की डिश भी वहाँ नई नई होती है, ऐसे तैरती भी होंगी ना, जब और डंडे से खानी पड़ती है, दो 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 होती है उसको, क्या कहते हैं, चॉपस्टिक से. तो आई एम व्हाट वी आई नीड टू से दैट कंटेक्स्ट के चेंज के साथ, शब्दावलियों के चेंज के साथ, उसको एक्सेप्ट करते हुए और सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि दिस इज अ रेलिवेंट फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज नॉट. अभी आप कह रहे थे मैट्रिक्स में कॉम्पिटिशन, आई विन यू लूज. जब आई विन यू लूज होता है तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग गलत सूचनाएं इनग्राफ्ट कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको नीचे करने के लिए. आपने HMT का केस देखा, HMT घड़ियां. आपकी जनरेशन में आपने नाम सुना सुना या नहीं सुना मैं नहीं जानता हूँ. जब हम लोगों की शादी का टाइम होता था तो HMT सोना एक मॉडल होती थी, पीले रंग की घड़ी. साहब लोग उसको वेरीफाई करेंगे, वो शादी में दहेज में जाती थी साहब लड़के के लिए. वो जो जिस समय वो होता था, वो घड़ी बड़े खुशामद से मिलती थी, HMT सोना. लोग हाथ जोड़ते थे वेंडर से, HMT सोना वॉज द टॉप मोस्ट ब्रांड, जो शादी के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता था. हमारे जब सिस्टम वगैरह तो हाथ जोड़ते थे वेंडर से, HMT सोना दे देना यार, दामाद जी को HMT सोना दे दिया. इतना बढ़िया ब्रांड था HMT का. और देखते देखते HMT खत्म हो गया. किसने कब्जा कर लिया? टाइटन ने कर लिया, प्राइवेट ग्रुप है टाटा का. तो ये है आई विन यू लूज. तो उसमें कई उसकी जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी इंफॉर्मेशन है, सब कैप्चर उन्होंने कर ली. मैंने HMT में नौकरी करी है इसलिए आपको बता रहा हूँ. तो HMT के जो टॉप मोस्ट चीफ इंजीनियर्स थे, उनकी एक्सपर्टीज उन्होंने टैप कर ली, उनकी इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस सब उन्होंने ले लिया और उनके यहाँ सड़ी सड़ी सी चीज़ें डालनी शुरू करी HMT में. ऐसे वो खत्म हो गई. तो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो एंगल से इस एक्सरसाइज को देखें, लीडरशिप डेवलपमेंट में तो लीडरशिप मर्ज होती है, उसको रिटेन करना डिफिकल्ट होता है, लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये चिंतन का प्रश्न है, उसको लक्ष्य बात करेंगे. इसी तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम क्या सिस्टम अपनाएं, किस तरह से प्रोसेसिंग करें सो दैट द डिसीजन मेकिंग इज फैसिलिटेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यही हम कहना चाह रहे हैं, है ना सर? तो इसके साथ ही हम कुछ कहें लंच के लिए चलते हैं. तो लंच के लिए चलते हैं.